एवरीवन, कैसे आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी को। और सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं सुबह सुबह घर का सारा काम फिनिश करके रेडी हुई थी ग्रीन साड़ी में, और मैंने रील्स बहुत सारे बनाए हैं। कल है मंडे, तो कल अपलोड करने के लिए। ये वीडियो कब अपलोड होगा आई डोंट नो, कुछ मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया है, तो कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में ऐड करके उस ब्लॉग को कम्प्लीट करके मैं अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि 8-10 दिन हो गए मैं चैनल पर ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ। शॉर्ट पे आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता देती हूँ, सुबह उठ के घर का सारा काम फिनिश की, स्नान ध्यान करके मैंने ये साड़ी पहना, फुल लुक का यहाँ फोटो लगा दूंगी, और उसके बाद से बहुत सारे रील शूट किए। उसके बाद मैं अपने फेसबुक पेज पे लाइव आई, इंस्टाग्राम पे लाइव आई, एंड उसके बाद एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करी, तब जाके इस ब्लॉग को अपलोड मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग। वीडियो शूट करके जो उठी छत पे गई तो मौसम बहुत सुहाना देखा, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, नीचे आए हम भाई बहन ने खेला लूडो। ब्लॉग मैं आगे नहीं कंटिन्यू कल कर पाई, तो अभी आज है आपका शनिवार और दोपहर के बजने वाले हैं 12, 10 मिनट कम है, तो अभी मैं चल रही हूँ छोले बनाने हैं मुझे, तो फटाफट से छोले बना लेती हूँ, और मैं स्नान ध्यान करके तैयार भी हो गई हूँ, बट छोले बनाने हैं तो छोले पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद से रेडी होते हैं, और हमको जाना है बैंक पे, बैंक पे कुछ है ज़रूरी काम, और जाना है हमको बैतालपुर। आज शनिवार और दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो फटाफट से पहले जो किचन का काम है उसको निपटाते हैं, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं बैतालपुर। बैतालपुर पे बैंक पे मुझे कुछ काम है तो उसको निपटाएंगे, देन उसके बाद से कुछ कुछ और भी काम है तो उसको करते हुए घर आएंगे। फिर आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिए, जो भी होता है इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। तो किचन में आ गए छोले बनाने। आज हम बनाएंगे साबुत अरहर के छोले। क्या आप लोग कभी खाए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मोस्टली लोगों ने ये छोले नहीं खाए होंगे, हमारे वहाँ कभी कभार बनता है, तो उस रेसिपी को मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो ही हमारा अरहर था उसको मैंने भिगो दिया था रात भर के लिए, और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के हमने 2 सीटी लगा के उसको बॉयल कर लिया। देन उसके बाद उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद चढ़ाया हमने कढ़ाई, जिसमें डाला हमने पंचफोरन, कुछ लहसुन की कलियां और सूखे मिर्च कूट के। सूखे मिर्च को साबुत रखा है, लहसुन की कलियों को हमने थोड़ा सा मैश किया है, इसको चटकने देना है। देन उसके बाद से हमको ऐड करना है स्लाइस में कटे हुए कुछ प्याज। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जितना आप बना रहे हो उसके हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको बारीक एकदम स्लाइस में कट कर लिया है। इसको डालेंगे जो ये थोड़ा मेल्ट होगा, देन इसमें नमक डाल के इसको गला लेंगे। और जो भी मैं मसाले डाल रही हूँ वो बेसिक मसाले हैं, मैं गर्म मसाला साथ में ही डाल रही हूँ, आप लोग ऊपर से भी डाल सकते हो सब्जी बनने के 2 मिनट पहले, और 2 मिनट और उसको खोला के और सब्जी को उतार सकते हो। बट मैं सिलबट्टे पे मसाले को पीसना प्रेफर करती हूँ, ना कि मिक्सी में। मुझे सिलबट्टे के मसाले बहुत ही पसंद है, मुझे मिक्सी के मसाले का उतना टेस्ट नहीं अच्छा लगता है जितना सिलबट्टे का लगता है। तो सिलबट्टे पे मैंने सारी बेसिक मसाले पीस लिए थे, जैसे जीरा, धनिया, सूखा मिर्च और गरम मसाला और हल्दी के टुकड़े। तो इसको पीसने के बाद प्याज में ऐड किया, प्याज को और मसाले को अच्छे से भुनेंगे, थोड़ा टाइम देंगे इसको, शायद कि 10 मिनट और 10 से 12 मिनट भी आप दे सकते हैं। तो मीडियम टू स्लो आंच पे इसको अच्छे से पकाना है। जिस कटोरी में हमने मसाले रखे थे उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इन मसालों को पकाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मसालों से तेल सेपरेट हो गया है, तब हम इसमें जो छोले बॉयल करके रखे हैं उसको ऐड करेंगे। इस टाइम पे आप नमक ऐड कर दीजिएगा, हमने नमक जो ऐड किया आई थिंक कि वो क्लिप मिश हो गया है, तो आप लोग नमक ऐड कर दीजिएगा इसमें, और हमने भी नमक ऐड कर दिया था। छोले डालने के बाद फिर हमने 2 मिनट इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। आप चाहें तो इतनी थिक कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी सी पानी और डाल सकते हैं। हमें थोड़ा चावल से खाना था तो हमने थोड़ा सा और पानी ऐड किया और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर पका लिया। गर्म पानी आप प्रेफर करें कि डालें, इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही इन्हेंस होकर आता है। तो यहाँ पर हमारे छोले बन के हो गए थे डन। हरी धनी
धनिया की पत्ती से आप गार्निश करें, हमारे पास नहीं था तो हमने गार्निश नहीं किया है, बल्कि बहुत ही टेस्टी छोले हुए थे, कभी आप ज़रूर बना के ट्राई करें। सो फ्रेंड, बन गया छोला और मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी भाई हो रहा है तैयार, तो निकलते हैं। 12 बजने के बाद अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को आने आने में तो 3 तो बज ही जाएंगे, जाने आने में बहुत दूर तो नहीं है बट आने जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और जो भी काम है पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस काम को निपटाने में, तो काम फिनिश करते हैं देन उसके बाद निकलते हैं। अभी तो जाने के बाद काम फिनिश करेंगे, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए। तो फ्रेंड निकल रहा फटाफट से, और भाई चला गया रोड पे, हम भी जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं और इंतज़ार कर रहा है मेरा, जाके चिल्ला रहा था मैं, कुछ काम करने लगी थी अंदर। चलिए चलते हैं, धूप तो बहुत तेज नहीं है बट हाँ है, थोड़ा सा धूप तो है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ गया था बैतालपुर, जहाँ मैं यहाँ शहर में एंटर कर रही हूँ। बैंक पे गई, वहाँ पे जो मुझे डॉक्यूमेंट अपने जीरोक्स करवाने थे उसको भाई से कराया, उसके बाद पहुँची मैं बैंक में। आई थिंक 10 से 15 मिनट में हमारा काम हो गया था, क्योंकि हमारे एक परिचित है जो कि बैंक में एम्प्लॉय हैं, तो उनके माध्यम से जल्दी से हमारा काम निपट गया। फटाफट से बैंक में गए, काम फिनिश किया, और उसके बाद से हम निकल गए घर के लिए। मौसम बहुत ख़राब हो रखा था, तो घर मुझे जल्दी आना था। हो गया 30 मिनट लगे मुझे अपना काम फिनिश कराने में, और अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए, और बारिश का मौसम हो रखा है। यहाँ है मेरा मितऊ भाई, चलते हैं घर, निकलते हैं जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि बारिश आ गया ना तो हम लोग भीग जाएंगे। बैतालपुर से काम निपटा के मैं आ गई अपने चौराहे पे। इस कॉस्मेटिक दुकान से मैं सारे कॉस्मेटिक के आइटम खरीदती हूँ, तो इस दुकान पे आई क्योंकि मुझे हैंडमेड बैग बनवाना था, तो उसके लिए मुझे जो मटेरियल चाहिए था वो मुझे परचेज करना था, तो फटाफट से वो मटेरियल हमने परचेज किया। एक दीदी हैं उनको दिया सारा मटेरियल, क्योंकि वो बैग सी लेंगे। उसके बाद से मैं आ गई घर, और दोपहर हो रहा है 12 बजे के बाद निकली थी, 2 बजे तक आ गई हूँ, 3 बजे तक सोच रही थी, बट कुछ कुछ और काम था जो कि निपटाने लगी, तो बैंक का मेरा काम हो गया और भी जो काम था मैंने सारा कुछ फिनिश कर लिया। 2 बजे तक घर आ गई। बैतालपुर जाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 15-17 मिनट में मैं चली जाती हूँ, मतलब नज़दीक ही है। तो चलिए अभी चलते हैं लंच करने, और बहुत तेज़ का भूख लगा है, बना के तो खाने चली गई थी बट खा के नहीं गई थी, ट्रैवल में मन नहीं होता कहीं आने जाने में कि खाना खा के जाएँ, तो फटाफट से लंच करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। आई थिंक अभी ये वीडियो को एंड कर दूँगी, या फिर देखती हूँ आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो अभी एंड कर दूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।